And meanwhile, this is the time for we are legal trade organizer, City Development Commissioner, Miss Aisha Pitch, where the court team is Development Commissioner, Miss Aisha Ma'am. Madam, just to go for it. Representatives from Deaf and Dumb Association, all the participants today. First of all, congratulations to the Kupwara team for a very resounding victory. All the teams played really well. When last May I thi, thoda sa game hi dekha, but bahut hi acha laga aur sabne bahut acha khela. So congratulations to all the participating teams, especially the ones who have come from outside Srinagar, Badgam and Baramula. Sports is a great opportunity for us to ek to physical exercise also and mentally bhi jo bhi aapka burden hota hai when you go for any sports activities to get motivated ho ya koi bhi game ho. That we should be promoting youth and especially deaf and dumb. मुझसे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने काफ़ी सारी डिमांड रखी है कम टू डेफ एंड डम पीपल. ऑफकोर्स दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल इनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी पेंशन होता है या फिर इन टर्म्स ऑफ राशन कार्ड ऑल्सो आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हैं बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी. या फिर इवन इन रिक्रूटमेंट हमको सर्टन रिजर्वेशन दी जा रही हैं. सो देर इज़ अ डेफिनेट रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय द पीपल विद डिसेबिलिटीज. मैं यहाँ पे टाइम लिया तो डीसी मैम इन्होंने अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आई. थैंक यू सो मच कि हमें इससे पहले ऐसे कभी ट्रीटमेंट नहीं मिला था ऐसे बच्चों के लिए जो सुन नहीं पाते बोल नहीं पाते. थैंक यू सो मच. अभी ये कुछ कहना ऐसा नहीं है कि कोई हमें सपोर्ट करे. जैसे यहाँ पे जो डेफ एंड डम लोग हैं ये चाहते हैं कि हम ऐसी चीजें करें ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें. मगर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं. गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है कि ये ऐसे बच्चों के लिए कुछ हो. مےٚ کٔرۍ یِم جُمعہ باوُس اور زٕ ساس ژۄدہَس منٛز مےٚ کٔرۍ پَتہٕ جُمعہ سری بوٗز اوڈیو. آز ژٕ چھُکھ نہٕ پَتہٕ ترٛاوان سۭتی آز چھُنہٕ پریشٲنی. के बाद विजय सुदीन होगा सेकंड पोजीशन इन फॉरवर्ड एंड रिसीवर मैडलन एंड अप्रिसिएशन एज वेल. प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बहुत ही
زور سے بیاکن ہمت تو ہار یار واجر رسوم میں گرو ہر کی کے ساتھ سموش کی تانڈو سر کل رات نا رسوم سر پریشر لوگ ماسٹر ایم ڈی ایف میں کام کیا ایم پی چلو اپشن आज ठेकेदार जो है पारा ज़िले की, उसने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज के साथ एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया हुआ। सबने बहुत ही बेहतरीन खेला। तीन टीम्स जो थी वो बाहर के थी, ज़िलों की थी, और टोटल अच्छा टोटल छः टीम्स थी, आई एम सॉरी टोटल छः टीम्स थी। हम फाइनल मैच में ही आ पाए और सबने बहुत अच्छा खेला। और कुपवाड़ा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इस बार जीता है, एंड हम सबके सब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। बहुत बढ़िया खेला सबने। और जहाँ तक कि उनकी डिमांड्स और उनकी नीड्स की बात है, तो हम सब उनके साथ बैठकर एक प्लान चार्ट आउट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम साथ मिलकर जितने भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं इनको रिजॉल्व करें। मैम ऑलरेडी इनको एज अ सेट कि हम इन्हीं लोगों के साथ मिलकर बैठकर सलाह मशवरा कर एक प्लान चार्ट आउट करेंगे। जितना हमारे रिसोर्सेज हैं, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, विल ट्राई टू फुलफिल देयर डिमांड्स। थैंक यू। श्रीनगर और कुपवाड़ा का फाइनल है तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह से कभी नहीं देखा था मैंने, आज देखकर बहुत अच्छा लगा। इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। तो उतना ये नहीं है कि हम समझेंगे कि ये लोग गूंगे हैं कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, लेकिन मुझे लगा कि एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा इनके पास सेंस है। इनका जो माइंड काम करता है मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा ताकत है। क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि ये किसी भी एंगल से हमसे कम है। तो इन दो दिनों में, हाँ मैं पर्सनली कहूँगा, इन दो दिनों में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे। तो मुझे लगता है कि इनको चाहे कि मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, इनको चाहे इनके लिए बहुत कुछ करे, हमसे ज़्यादा इनके लिए कुछ करे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। सबसे बड़ी गलती यही है कि वो समझते हैं कि ये लोग शायद नॉर्मल नहीं है। मैं कहता हूँ ये उनसे ज़्यादा नॉर्मल है। इनको चाहे पढ़ाई में या सपोर्ट्स में, इनको इनके लिए जो कुछ भी माँ बाप को करना चाहे मेरे ख्याल से वो करे और इनको आगे भेजे, चाहे पढ़ाई के मामले में या सपोर्ट्स के मामले में। इस तरह से ऐसा होता है कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई छोटा बच्चा होगा जो इनकी मतलब ये जो बोल नहीं पाता होगा या कोई प्रॉब्लम टांग में, उसमें कोई भी अबनॉर्मल होगा, इनको देखकर उसके दिल में भी ये उमंग जागेगी कि नहीं, जब ये कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जो बहुत सारे छोटे बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो बोल नहीं पाते हैं, मेरे ख्याल से अब वो लोग भी यही सोचेंगे जब ये लोग खेलते हैं। क्योंकि आज मैंने तकरीबन एक साथ 50 लड़कों को देखा जो बोल नहीं पाते हैं। मुझे नहीं लगा जब ये आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है एक नॉर्मल इंसान बात, ये किस तरह से मतलब समझाते हैं बॉलर को, बैट्समैन को समझाता है कि इस बॉल को ऐसा करो है। मेरे ख्याल से इनके लिए नॉर्मल मसला है। क्या बॉल है अपना, ये फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, ये जरूरी नहीं है कि क्रिकेट ही है, वॉलीबॉल है, बहुत सारे जितने भी सपोर्ट्स ये है, इनको हिस्सा लेना चाहिए। खुसूसन माँ बाप या स्कूल में, हमारे स्कूल में स्टूडेंट हो, कोई बोल नहीं पाता है, तो जो उनका फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है उनको चाहिए कि उसको ज्यादा मतलब सपोर्ट्स की तरह। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, बड़गाम, बारामूला और अपना कुपवाड़ा। जी ऋषि मीर है, मैं इनका लैंग्वेज ट्रांसलेटर हूँ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के, डेफ एंड डम के। तो यहाँ हमने, यहाँ सपोर्ट्स काउंसिल वालों ने यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है इन डेफ एंड डम बच्चों के लिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में है, 249 इन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जो डेफ एंड डम है। तो आज दूसरा दिन है इन बच्चों का। तो पहले दिन में इसमें पार्टिसिपेट चार टीमों ने किया, एक तो श्रीनगर, बड़गाम और बारामूला और कुपवाड़ा। तो श्रीनगर वाले फाइनल में चढ़े और कुपवाड़ा वाले, तो आज इनका लास्ट दिन है फाइनल का। तो
पहला मैच हुआ है, अब दूसरा भी अभी लग जाएगा, अभी पता नहीं है क्या हो जाएगा इस मैच का। मोबाइल पर कांग्रेचुलेशंस फॉर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा।